सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चिट्ठी भेजकर मौसम वैज्ञानिक से 4 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले दो अभियुक्तों को गुलहरिया थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की पहचान रामकेश गुप्ता पुत्र वंशी गुप्ता निवासी हिमायूपुर उत्तरी निकट शिव मंदिर थाना गोरखनाथ और वीरेंद्र निषाद पुत्र सुग्रीव निषाद निवासी नंदा नगर FCI रेलवे क्रॉसिंग थाना खोराबार जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। मामले का खुलासा करते हुए CO चौरी चौरा दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि गुलहरिया थाने क्षेत्र के रहने वाले मौसम वैज्ञानिक से 4 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने दो अभियुक्तों को शाहपुर थाना क्षेत्र के शिवपुर शहबाजगंज मिलन चौक से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गुलहरिया थाना प्रभारी निरीक्षक रवि कुमार राय, प्रभारी क्राइम निरीक्षक राम भवन यादव, उप निरीक्षक चौकी प्रभारी मेडिकल कॉलेज गौरव राय कन्नौजिया, उप निरीक्षक दशरथ कुमार, दीन बंधु प्रसाद, हेड कांस्टेबल कामेश्वर दुबे और अनिल कुमार मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CO चौरी चौरा दिनेश कुमार सिंह ने कहा, रामकेश गुप्ता जो है ये कीनू का व्यापार करते हैं, पंजाब से कीनू खरीदते हैं जो कि दिसंबर में भी लिया जाता है और इसमें उनको लॉस हो गया। उन्होंने पूरा परिचय लिया था कि ये हुमायूंपुर के रहने वाले और जो वादी का फादर है, जो पुराना काम उनका भी हुमायूंपुर है, दूसरे को लोग जानते हैं, आना जाना भी था, तो इसको व्यापार में घाटा हुआ था। तो इसने सोचा कि 2 महीना के लिए अगर हम उसे 4 लाख रुपया ले लेंगे, इसलिए उस पत्र में ये भी लिखा था कि हम वापस भी कर देंगे, माह मार्च में आपका पैसा 3 लाख वापस कर देंगे 4 लाख। तो वहाँ CCTV में होंडा साइन गाड़ी आ गई। जब गाड़ी आई तो कुल 22-23 गाड़ियाँ होंडा साइन निकली, तो हम लोग 22-23 पे काम करने लगे। तो फिर हम लोग CCTV कई राउंड देखे और इधर हुमायूंपुर तक का CCTV देखे और इधर मोहद्देपुर तक का, उसमें गाड़ी फिर दिन में लाइट जल रही थी। तो ये हुआ कि गाड़ी नई है, 2017 के बाद की है, 17 के बाद की 3 गाड़ियाँ ट्रेस हुई, एक तिवारीपुर में, एक कजाकपुर में और एक ये जो कूड़ा घाट में लगा इस्तेमाल करता था। तो चूँकि हुमायूंपुर वाली गाड़ी नहीं निकली और तिवारीपुर वाली सॉरी, और दूसरी जो कजाकपुर की थी वो रेलवे इंप्लाई की थी, तो वो था नहीं। फिर इनको जब पकड़ा गया तो इन लोगों ने तुरंत सहर्ष स्वीकार भी किया और फिर वो पत्र का हूबहू लिखा, हम लोग लिखवाए कि यही व्यक्ति है, ऐसा नहीं कि पीछे कोई और का हाथ हो, ये एक मोहरा हो, इनसे लिखवाया गया तो सेम टू सेम हैंड राइटिंग है। इन्होंने अपनी गलती स्वीकार की कि हाँ सर हमसे गलती हो गई और हम चूँकि इतना लॉस में चले गए थे, या इवन ये लॉस में इतना था कि आत्महत्या करने का सोच रहा, फिर इसके दिमाग में आया कि चलो क्यों ना पैसे ये बता दें खुद पंजाब से बता दो। हाँ पंजाब के लिए थे सर, उसके बाद में जब यहाँ पर नहीं बिक रहा था, एक गाड़ी आया, 9 टन कमाल आया, 12-13 दिन लगा नहीं बिक रहा था, खर्चा 8.5 रुपये किलो, किलो 1.5 रुपया खर्चा, पड़वाई उसका पड़वाई अपना करवाना पड़ता है सबको, 10 रुपया किलो, किलो 2.5 रुपया, 2 रुपया किलो बिका। अब करीब गाड़ी हमारे पास था यानी 8-9 गाड़ी, इसलिए हम सोचे कि यानी मान लीजिए हम ख़त्म हो जाएं, फिर हमारे दिमाग में ख़त्म हो जाएंगे तो मान लीजिए एक तरह से बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा, परिवार भी वो हो जाएगा, इसलिए हम ये कदम उठाए। और कदम उठाने के बाद में हम ये भी नहीं कि हम पैसा लेने गए, हमारे अंदर पूरा डर था कि हम बहुत बड़ा गलती कर दिए हैं, ये नहीं करना चाहिए। वो गलती कैसा हुआ बस ठीक करो, हाँ पत्र लाया नहीं तुम सब पत्र लिखा, जैसा कि आपको पता होगा दिनांक 6 तारीख को ये एक शताब्दी पूरम के मोहल्ला है यहाँ गुलरिया क्षेत्र थाना क्षेत्र में, तो वहाँ एक मौसम वैज्ञानिक श्री नलनेश कुमार चौधरी सनापनंद किशोर चौधरी, पिताजी इनके ARM हैं इसमें बस मतलब रोडवेज में, और इनका वहाँ एक मतलब आवास इन्होंने बनाया, पहले हुमायूंपुर में रहते थे तो वहाँ आवास उन्होंने बनाया, उनके बगल एक बुढ़िया निवास करती है। ये जो दोनों अभियुक्त हैं ये इनके द्वारा मतलब पैसे की डिमांड की गई रंगदारी में 4 लाख रुपए
बुढ़िया को पत्र दे करके उनके यहाँ पंकज जी के यहाँ पहुँचा देना, और उसमें इन्होंने लिखा था कि 4 लाख रुपए भिजवा दीजिए, नहीं तो और ये रेलवे लाइन के किनारे ला करके दे दीजिए, वहाँ रख दीजिएगा, और नहीं तो फिर दोनों बच्चों से आपको अपने हाथ धोना पड़ेगा। क्या करते हैं ये जो दोनों पकड़े? ये दोनों फल विक्रेता हैं बाहर से, जो ये रामकेश ये गुप्ता हैं, इन्होंने फल खरीद करके बेचते हैं ज़्यादा। इन्हों अभी ये संतरे पंजाब से ख़रीदे थे जो कि इनके उसमें घाटा हुआ, यहाँ आकर के फिर वो बिका नहीं, तो उसमें पैसे चूंकि देना था उसमें जिस पंजाब में, तो इन्होंने फिर घाटे की वजह से दिमाग में इनके उपज आई कि इस तरह से किया जाए, पैसे ले लिया जाए, और इन्होंने उसमें भी कहा था कि पत्र में कि मैं 3 लाख रुपए वापस कर दूंगा, तो फिर ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई वैसे ही इस तरह से व्यक्त किया है, और गाड़ी जो वहाँ CCTV कैमरा लगा था वो साइन होंडा मोटरसाइकिल का प्रयोग किया गया था। इन्होंने बुलाया दूसरे को जिसको ये फल देते थे उस लड़के को कि हमको एक लिफाफा देना है कार्ड, तो उस लड़के को भी बुलाया और उसके बाद लिवा करके आए, वो बुढ़िया को बगल वहाँ पत्र दिए कि ये उनके यहाँ पंकज बाबू के यहाँ पहुँचा देना। पुराने कोई ऐसे आपराधिक इतिहास नहीं रहा है, उनकी गिरफ्तारी गाड़ी के उस पर हुई है और प्रेस नोट में दिया गया इनके घर से।